बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर जिशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर जिशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टैक के ऊपर पुश का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पॉप ऑपरेशन के मतलब तफसील के साथ बताऊंगा के स्टैक के अंदर पॉप का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है, इसका एल्गोरिदम क्या है, उस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करूंगा और लास्ट के ऊपर पॉप ऑपरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जिसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि स्टैक के अंदर से किस तरह से आइटम डिलीट होता है। तो सबसे पहले पॉप ऑपरेशन के मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पॉप ऑपरेशन, जैसा कि हमें मालूम है, स्टैक के ऊपर दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक पुश और दूसरा पॉप। पॉप इज अ टर्म यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। पॉप एक टर्म है जो यूज होती है स्टैक के अंदर से आइटम को डिलीट करने के लिए। जैसा कि हमें मालूम है, स्टैक एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट उसके टॉप पोजिशन से एंटर होते हैं और उसके टॉप पोजिशन से ही डिलीट होंगे। इन स्टैक आइटम इज डिलीटेड एट टॉप। स्टैक के अंदर से आइटम टॉप से डिलीट होंगे। लास्ट एंटर्ड एलिमेंट इज रिमूव फर्स्ट। स्टैक के अंदर जो रूल है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसी रूल के तहत जो आइटम सबसे लास्ट के ऊपर एंटर हुआ था वो सबसे पहले रिमूव होगा। व्हेन आइटम डिलीटेड देन टॉप इज डिक्रीमेंटेड। जैसे ही स्टैक के टॉप पोजिशन से कोई आइटम डिलीट होता है तो फौरी तौर के ऊपर टॉप की जो पोजिशन है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। हमें ये मालूम है कि स्टैक के अंदर टॉप एक काउंटर वेरिएबल है। इफ स्टैक इज एम्प्टी देन यू कांट पॉप। अगर स्टैक पहले ही एम्प्टी है तो उसके ऊपर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसके ऊपर अगर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि स्टैक इज एम्प्टी और साथ ही प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। पॉप का ऑपरेशन स्टैक के टॉप से आइटम को रिमूव करेगा। अब हम इसके एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं। ये स्टैक के अंदर पॉप का एक सिंपल एल्गोरिदम है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन का नेम पॉप है, जिसके अंदर स्टैक एक अरे है जिसका साइज एन है। टॉप वो वेरिएबल है जो उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर रहा है। आइटम वो वेरिएबल है जिसको हम लास्ट वाला एलिमेंट असाइन करेंगे। डिलीट आइटम एट टॉप फ्रॉम स्टैक। स्टेप वन के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। इफ टॉप इज इक्वल टू जीरो, अगर टॉप जीरो के ऊपर है, इट मींस के उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो सिंपल प्रिंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा स्टैक इज एम्प्टी और एग्जिट के फंक्शन के साथ उस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्टैक पहले ही एम्प्टी है, उसके ऊपर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पॉप का ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा अगर उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के केस के अंदर आइटम को असाइन कर दें स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक के टॉप पोजिशन के ऊपर जो वैल्यू है वो आइटम को असाइन कर दें। ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर ये ना भी परफॉर्म करें तब भी स्टैक के अंदर से आइटम रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सेट करें टॉप को टॉप माइनस वन, टॉप को डिक्रीमेंट कर दें। टॉप की जो पहले पोजीशन थी उसके अंदर से एक माइनस किया तो टॉप डिक्रीमेंट हो गया और उसके बाद एंड कर दिया। ये स्टैक के अंदर आइटम को डिलीट करने का एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। इसको सी स्टाइल अरे के साथ भी इंप्लीमेंट किया हुआ है और इसको सी प्लस प्लस के अंदर स्टैक क्लास के साथ भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों लिंक्स मौजूद हैं। आप उन लिंक्स को फॉलो करके सी प्लस प्लस के अंदर इस एल्गोरिदम की इंप्लीमेंटेशन को चेक कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करता हूं। स्टैक के अंदर पॉप ऑपरेशन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्टैक है जिसका नाम एसटी है, जिसका फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, इसका साइज थ्री है। लेट्स सपोज इसके अंदर पहले से वैल्यूज मौजूद हैं। टॉप इस वक्त
ये है, सबसे टॉप के ऊपर जो आइटम है वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसके टॉप के ऊपर सिक्स है, इसके अंदर से सिक्स सबसे पहले रिमूव होगा। आप सिक्स को रिमूव किए बगैर थ्री या फाइव को अगर रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव नहीं होंगे। टॉप की वैल्यू थ्री है, इस वक्त स्टैक हमारे पास फुल है क्योंकि टॉप के अंदर जो वैल्यू है वो एन के इक्वल है। इसके अंदर से वन बाय वन करके पॉप के ऑपरेशन के साथ आइटम को डिलीट करते जाएंगे। सबसे पहले जो सबसे लास्ट के ऊपर एलिमेंट एंटर हुआ था जो कि सिक्स है वो डिलीट होगा। ये स्टैक का रूल है। जैसे ही पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी कि क्या स्टैक के अंदर वैल्यूज मौजूद है या नहीं। उसके लिए सिंपल टॉप को चेक करेंगे, अगर टॉप जीरो के इक्वल है इट मीन्स कि स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। इस वक्त टॉप के अंदर थ्री है लिहाजा स्टैक के ऊपर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके लिए क्या होगा, पॉप के ऑपरेशन के साथ ही टॉप की वैल्यू को माइनस कर दिया। टॉप के अंदर इस वक्त थ्री है, उसमें से माइनस वन किया तो टॉप की वैल्यू टू हो गई। अब टॉप ये नहीं है बल्कि टॉप ये है। अब जैसे ही लूप के साथ स्टैक के वन इंडेक्स से लेकर टॉप तक प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली सिक्स रिमूव हो जाएगा। अब वंस अगेन पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या टॉप जीरो के इक्वल है। इस वक्त टॉप जीरो के इक्वल नहीं है, पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और टॉप के अंदर से वन माइनस हो जाएगा। टॉप के अंदर टू है, माइनस वन किया टॉप वन हो गया। अब टॉप की पोजीशन ये है, इसके अंदर से थ्री रिमूव हो गया। अब स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट है, जैसे ही इसके ऊपर दोबारा से पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ टॉप डिक्रीमेंट हुआ, टॉप के अंदर वन है जीरो हो गया, स्टैक के अंदर से फाइव भी रिमूव हो गया। अब वंस अगेन अगर हम स्टैक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। जैसे ही कंडीशन चेक होगी कि क्या टॉप जीरो के इक्वल तो नहीं है, कंडीशन ट्रू है और फौरी तौर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा कि स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी और साथ ही एग्जिट के फंक्शन के साथ कंट्रोल उस ऑपरेशन से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर वियलाइज करेंगे कि किस तरह से स्टैक के अंदर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये हमारे सामने स्टैक का मेन मेन्यू है। स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक पुश और दूसरा पॉप। पुश ऑपरेशन को लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परफॉर्म किया था, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पॉप ऑपरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। पॉप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारे पास इस वक्त स्टैक किस पोजीशन के अंदर है। स्टैक की करंट स्टेट को चेक करने के लिए डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्टैक डिस्प्ले हो गया जिसका साइज 5 है। उसके अंदर दो आइटम मौजूद है, टॉप इस वक्त सेकंड पोजीशन के ऊपर है। अगर हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले 5 सेकंड पोजीशन से रिमूव होगा और जैसे ही पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा टॉप डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो टॉप सेकंड पोजीशन की बजाय 1 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। प्रेस एंड की टू बैक। पॉप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम पॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि स्टैक के टॉप पोजीशन से जो वैल्यू 5 थी वो रिमूव हो चुकी है और अब टॉप डिक्रीमेंट के साथ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ गया। अब स्टैक के अंदर एक ही वैल्यू है जो उसके टॉप पोजीशन के ऊपर है और टॉप की पोजीशन इस वक्त 1 है। प्रेस एंड की टू बैक। वंस अगेन पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम पॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि स्टैक के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो भी रिमूव हो गई है और इस वक्त स्टैक एम्प्टी है। अब जैसे ही इसके अंदर वैल्यू आएगी तो वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही आएगी। स्टैक इस वक्त एम्प्टी है। इसके ऊपर अब अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए बल्कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है। उसको चेक करते हैं कि क्या वो कंडीशन चेक होती है कि नहीं। प्रेस एंड टू बैक। अब एक दफा फिर पॉप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया
स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक पहले ही एम्प्टी था लिहाजा उसके ऊपर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अब अगर आपने इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वो इसके टॉप पोजीशन के ऊपर ही इंसर्ट होगी। हम अब इसको कंबाइन देखते हैं कि दोनों ऑपरेशन इकट्ठे किस तरह स्टैक के ऊपर परफॉर्म होते हैं। प्रेस एंड टू बैक, अब दोनों ऑपरेशन पुश और पॉप स्टैक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इस वक्त स्टैक एम्प्टी, अगर उसके अंदर कोई नया आइटम इंसर्ट करेंगे तो उसके टॉप पोजीशन के ऊपर आएगा जो कि उसकी वन पोजीशन बनती है। स्टैक के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम पुश के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही पुश के बटन के ऊपर क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि आप वो वैल्यू एंटर करें जिसको आपने स्टैक के अंदर पुश करवाना है। लेट्स सपोज 34 दिया, जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि 34 स्टैक के टॉप पोजीशन के ऊपर पुश हो गया। प्रेस एंड टू बैक, अब इसके अंदर एक और आइटम को पुश करते हैं। उसके लिए वंस अगेन पुश के बटन के ऊपर क्लिक किया, अब 25 को स्टैक के अंदर पुश करवाना है। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि 25 स्टैक के टॉप के ऊपर पुश हो गया। अब टॉप की पोजीशन 2 है। अब अगर इसके अंदर से पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 25 सबसे लास्ट के ऊपर इसके अंदर एंटर हुआ था, 25 ही सबसे पहले रिमूव होगा। प्रेस एंड टू बैक, अगर आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पॉप के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि 25 स्टैक के अंदर से रिमूव हो गया। प्रेस एंड टू बैक, इस तरीके से आप दोनों ऑपरेशंस को स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पुश और पॉप दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।